OnePlus Nord 2 ये वाला जो स्मार्टफोन है इंडिया में दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। इसके बारे में बहुत सारे लीक्स निकल कर आ चुके हैं। OnePlus Nord 2 5G होगा इंडिया में और बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो इस वाले स्मार्टफोन की क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या इसकी प्राइस है, कब इंडिया में लॉन्च होगा, सभी डिटेल्स मैं आपको आज का वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे दोस्तों पिछले साल OnePlus Nord लॉन्च हुआ था, बहुत ही हाइप क्रिएट हुई थी, लेकिन अच्छा स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल गया था। अब OnePlus Nord 2 आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाला है, ऐसे इसके लीक्स निकल कर आ रही है। अब इस वाले स्मार्टफोन के सभी डिटेल्स मैं आपको आज का वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वाले वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो ज्यादा देर नहीं करते, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं vntech, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करें, 6.4 इंचेस की फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है, ऐसे लीक्स निकल कर आ रही है। और 1080x2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन भी इस वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो डिस्प्ले निकल कर आ रही है अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में ऐसे लीक निकल कर आ रही है कि OnePlus Nord 2 इंडिया में डायमेंसिटी बेस्ड प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 जो प्रोसेसर है यही प्रोसेसर इस वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों 5G प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, अच्छे खासी ग्राफिक्स पर आप गेमिंग कर सकते हो। तो दोस्तों लीक्स इसके बारे में ये निकल कर आ रही है। और मान लीजिए 77 वाला GPU इसमें आपको देखने को मिल जाता है, मतलब जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आएगी अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल कोर रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंस, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, ऐसे कोर कैमरा सेटअप इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों बहुत ही अच्छा कैमरा आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। OnePlus Nord में 14 मेगापिक्सल कैमरा था, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर्स क्वालिटी निकल कर आई थी वो तो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल गई थी। ऐसे ही पिक्चर्स क्वालिटी के साथ ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल की सिंगल पंच होल सेल्फी मिलेगी। OnePlus Nord में ड्यूअल सेल्फी कैमरा मिला था, लेकिन आपको इधर सिंगल पंच होल सेल्फी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों रियर कैमरे में आप 4K 60fps तक वीडियो शूटिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल जो कैमरा निकल कर आ रहा है इस वाले स्मार्टफोन का अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसकी बैटरी कैपेसिटी और चार्जर के बारे में। 4500mAh की बैटरी इस वाले स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों इसमें आपको 30W का वॉप चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी है, चार्जर भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, जो आपके फ़ोन को जल्दी चार्ज कर देगा। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जो लीक आई है OnePlus Nord 2 के बारे में। अब इस वाले स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट ऑक्सीजन OS मिलेगा, जो एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होने वाला है वही आपको मिल जाएगा। और 6GB की रैम, 128GB स्टोरेज, ऐसा इसका बेस वेरिएंट होने वाला है। वैसे तीन वेरिएंट आएगा, 6GB की रैम 64GB स्टोरेज, 6GB की रैम 128GB स्टोरेज और 8GB की रैम 256GB स्टोरेज, और 12GB वाला भी वेरिएंट आ सकता है। तो ऐसे कुछ इसके लीक निकल कर आ रही है। और दोस्तों फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, इसलिए आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये थी सब मेन स्पेसिफिकेशन और लीक्स जो निकल कर आ रहे हैं OnePlus Nord 2 के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों ये वाला स्मार्टफोन कब इंडिया में आ सकता है और इसकी प्राइस क्या हो सकती है। तो देखिए दोस्तों अभी तक इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में कोई भी लीक नहीं आई है, लेकिन कई सारी जगह पर ऐसा लीक हुआ है कि इसकी प्राइस आपको 35,000 का इंडिया में देखने को मिल सकती है। यही प्राइस के साथ ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, ऐसी इसकी लीक निकल कर आ रही है। दोस्तों कन्फर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन जो लीक्स आई है वही मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों ओवरऑल जो स्पेक्स है सभी मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वाला वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे शेयर कर दीजिए। वैसे दोस्तों जब भी इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में कन्फर्म लीक आएगी सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।